यूपी के बरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नाला खुदाई के दौरान सुभाष नगर की करगौन पुलिस चौकी के पास बम मिलने की सूचना मिली। बम मिलने की सूचना के बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। मामले की सूचना तुरंत एसएसपी रोहित सिंह सजवाण को दी गई। इसके बाद आनंद फानंद में वो खुद पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक खुदाई में मिला हैंड ग्रेनेड निष्क्रिय है, जो खिड़की पुणे फैक्ट्री का बना हुआ है। 1948 में बना ये बम निष्क्रिय है, जिसकी जांच करने के लिए मुरादाबाद से बम निरोधक दस्ते को बरेली बुलाया गया, क्योंकि बरेली का बम निरोधक दस्ता लखनऊ गया है। वही पुलिस ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये थाना सुभाष नगर के अंतर्गत जो रोड चौड़ीकरण में काम चल रहा है, इसमें नाली खुदाई हो रही थी, तो इसमें एक हैंड ग्रेनेड जैसी वस्तु प्रतीत एक व्यक्ति को हुई। उसने इसको देखा और पुलिस को सूचना दी। इसमें तो जो पुलिस मौके पर पहुंची तो ये प्रथम दृष्टिया निष्क्रिय लग रहा है और बहुत पुराना लग रहा है। तो उसका जो सीरीज नंबर पड़ा है उसके हिसाब से अभी तक जो पता चला है कि 1948 के आसपास है उसका ये मैन्युफैक्चर्ड है, और बाकी अभी और लोगों से बातचीत की जा रही है, इसमें जो एक्सपर्ट है, और उसके बाद इसमें जो पूरी जानकारी पता चल जाएगी ये किस परिस्थिति में। बम मिलने के बाद खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। बम की सूचना के बाद से करगैना के आसपास की कॉलोनियों में अफरा तफरी मची हुई है, लोगों में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि बुधवार को करगौन में नाली को बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान किसी मजदूर ने बम को देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से भीम मनोहर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।